हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू अ न्यू डे। और आज हम आए हैं मिलानो, हम आए हैं मिलान आज। हम अभी दिन में ही पहुँचे हैं, कल रात को मैं सब 3-4 घंटे सोया हूँ, तो सुबह से उठते ही शूट करना मेरे हालत नहीं थी, थोड़ा लंबा था शेड्यूल। सो अभी हम आए हैं मिलान सेंट्रल पे, और यहाँ का जो मेन कैथेड्रल है काफ़ी फेमस, काफ़ी पुराना, जहाँ पे आगे लोग ज़्यादातर फ़ोटो डालते हैं, तो लगता है कि हाँ मिलान आ गए। अभी उस तरफ जा रहे हैं हम, लेकिन मिलान पहुँचते ही एक बड़ी दुर्घटना हो गई मेरे साथ। मेरा फ़ोन टूट चुका है, मतलब फ्रंट से भी बैक से भी, जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, तो काफ़ी दुख हो रहा है मुझे, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। इसने तोड़ा है, ये चल रहा है इंसान मेरे साथ, इसने, मैंने कुछ नहीं तोड़ा, इसने कुछ गिरा दिया था फ़ोन। ब्लॉगिंग करते रहे, देखो गाइस, ये ब्लॉगिंग करते करते मैं फ़ोन भी तोड़ रहा हूँ अपने, तो एक लाइक तो बनता है इस चीज़ के लिए भी। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, हम लोग मिलान बोलते हैं, बट यहाँ के जो लोकल हैं वो अपने एक्चुअल में मिलानो बोलते हैं। अब पता नहीं क्या है, जो भी है, हम तो मिलान ही बोलेंगे, उससे फील आती है मेरे को। तो आज मौसम बड़ा अच्छा है, धूप निकली है काफ़ी अच्छी, तो मज़ा। पहले बारिश हुई है, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, तो हमें लगा कि फिर से प्लान चौपट, बट 10-15 मिनट हुई और फिर बारिश रुक गई। तो अच्छा खासा मौसम निकला हुआ, अच्छी खासी धूप है अब तो। ये है मेरे पीछे वो कैथेड्रल, ये 900 साल पुराना है, आई थिंक 1230 सेंचुरी के आसपास बना था। और ये यहाँ का मेन सिटी सेंटर का एक, कहते हैं ना, एक चेरी ऑन द केक, वैसा ही है। तो ये सारा यहाँ का मेन सिटी सेंटर है। आज काफ़ी भरा हुआ है, तो क्योंकि धूप निकली हुई है, जब भी धूप निकलती है तो यहाँ पे थोड़ी चहल पहल हो जाती है ज़्यादा। और ये हमने बहुत सारी फोटोज खिंचवा ली है, पूरे कैथेड्रल की एक कोने से फ़ोटो ली है। अब जा रहे हैं ज़रा अंदर, तो यहाँ की बड़ी फेमस मार्केट है, जहाँ पे सारे ब्रांड्स वगैरह हैं, सब ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। लेना कुछ नहीं है, क्योंकि इस टाइम में वैसे ही बहुत खर्चा हो गया है, बट चल देखते हैं क्या क्या है। अगर तू कुछ दिला रहा है तो ले लूँगा मैं, ऐसे दिला रहा हूँ। चलो क्या लेना बताओ, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा मन नहीं है। अरे बहुत कार्ड है मेरे पास, चलो चलो, बहुत पैसा है, अंधा पैसा। अबे मेट्रो कार्ड नहीं चाहिए। मेट्रो कार्ड है ही नहीं मेरे पास यहाँ का। तो मतलब अगर तू दिला दे तो मैं ले लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं दिला रहा हूँ, क्या लेना, ऐसे ही बोल रहा है देने। अभी कैमरा होने तो बोल रहा है, अभी कैमरा ऐसे बंद होगा, बोलेगा चल चल कर, चल बोलेगा चल कर, चल। अरमानी, प्राडा, LV। तेरे पास 3 ऑप्शन है, 3 उंगलियाँ, एक चूज कर ले, मीठी वाली। प्राडा, चलो ये था अरमानी, ये था प्राडा, ये LV। किसमें डाला है तूने? प्राडा चूज किया तो चल भाई, चलो प्राडा। अरे पराठा नहीं, प्राडा यार। ऐसी मार खाइए, ऐसी बोल रहा है, ऐसी बोल रहा है, कुछ नहीं दिलाया है। एक्चुअली मिलान फैशन के लिए बहुत फेमस है, सो सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। तो अभी सेंटर से निकल के थोड़ा चलते हुए, गलियाँ एक्सप्लोर करते हुए, हम जा रहे हैं कैसल की तरफ। यहाँ पे बहुत फेमस कैसल है, एक्चुअली उससे जाना ही था थोड़ा हमें घूमते घूमते, तो मैं सोचा कि एक बार कैसल देख लेते हैं। यहाँ की बड़ी फेमस आइसक्रीम है, नाम क्या है वो मुझे पूछना, बहुत अजीब सा नाम है इटालियन में, बट काफ़ी टेस्टी है। ये 100 साल पुरानी शॉप है, और ये इंसान जो यहाँ खा रहा है इसकी जिद थी कि आइसक्रीम खा के मारूंगा खिला दिया। बंद बोलियो। अच्छा मेरी जिद थी है तो मैं खाने नहीं, मैं तो कभी भी आ सकता हूँ। तो अभी खाने का मन किसका था? तब से पीछे बढ़ गया था आइसक्रीम खानी। मैंने कहा चलो भाई खा लेते हैं, बट अच्छी है, टेस्टी है काफ़ी। एक्चुअली आइसक्रीम खाने का एक और मकसद था मेरा, जो ये मेरे साथ में जो हमारे बड़े भाई साहब हैं इनको नींद आ रही थी। मैंने कहा भाई कुछ खा पी ले, खाना पा चले चलते चले सो जाए। तो नींद नहीं आ रही, पानी पीता अब तो नींद नहीं आ रही, पहले भी नहीं आ रही। मैंने आइसक्रीम खिलाई इसे इसलिए, इसको आ रही थी नींद, ऐसे चक्कर जरूर। झूठ बोलता है इतना, झूठ क्या बोलता सच में। अब तो नींद खुल गई मेरे चीते एकदम। बस तो ये वाला जो कैसल है वो इतना मुझे लग नहीं रहा काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि काफ़ी ना मतलब खाली खाली सा है, लाइक ग्राउंड ज़्यादा है और जो ये जो एरिया है काफ़ी कम लग रहा है। अभी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। ये जितने भी डंडे लगे हुए हैं यहाँ पहले इनके घोड़े, हाथी, सब जानवरों को बांटते थे। यहाँ पे कुछ लोकल फेस्टिवल हो रहा है, आई डोंट नो क्या है, हर जगह इटालियन में लिखा हुआ है, तो इसलिए कैसल थोड़ा इन्होंने आधा बंद कर रखा है, आधा ऑन है आधा खुला है। अब जैसे जैसे रात हो गई और ठंड हो गई है, थोड़ी कॉफ़ी शॉफी पी लेते हैं ताकि गर्मी से आए अंदर। ठंड भी हो रही है धीरे धीरे, वही कह रहा हूँ, थोड़ी ठंड हो गई है, कॉफ़ी पी लेते हैं थोड़ी गर्मी आए। रात को लेकिन लाइटिंग है, बड़ा अच्छा सुंदर लग रहा है। ये मेरे नाम की स्पेलिंग में क्या लिखी है, MAVANK, मवंक, वाई हटा के वी लगा दी है। इस पूरे ट्रिप की अब तक की सबसे तेज बारिश है आज। हल्का सा भी एक कदम बाहर निकाला तो बहुत बुरा वाले दिख जाएंगे। A few hours later. ये मैंने भी खाना मंगाया इंडियन रेस्टोरेंट में, ये सामने खाना है और खुशबू से पता लग रहा है कि दिल्ली का स्वाद आया है, भर भर के निखर निखर के दिल्ली का स्वाद आया है। तो अभी इसे खाएंगे और अपने ना दिल की वो कहते हैं ना एक आस पूरी करेंगे। बहुत दिन से बर्गर पिज़्ज़ा खा के मैं बोर हो चुका हूँ। बोर क्या मतलब, मेरा ये बर्गर मेरा पेट जवाब दे चुका है। तो आज स्पेशली रेस्टोरेंट में आया है, थोड़ा महंगा है बट ठीक है, पेट के लिए चलेगा।